कहीं ना कहीं शासन द्वारा हम शिक्षकों को नजरअंदाज किया जाता है। पूरी रायबरेली में आप जाकर के देख लीजिए, सारी जगहों पे पानी भरा हुआ है। अभी नॉर्मल डेज में ये हाल है सर, तो बारिश में क्या होगा। हम चाहते हैं कि जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हो रहे हैं, सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो प्राइवेट होती जा रही हैं, सो उस पे बैन लगना चाहिए। रायबरेली में 2024 का लोकसभा चुनाव और सभी तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। 20 मई को रायबरेली में मतदान होना। हमारे साथ शिक्षक वर्ग हैं, हम बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका क्या मूड रहेगा और किन मुद्दों को लेकर 20 मई को रायबरेली में वोट करेंगे। सर परिचय बता दीजिए। जी, रोहित शर्मा नाम है मेरा, चंद्रशेखर इंटर कॉलेज लालगंज से हूँ मैं। 24 का चुनाव है, इस बार मुख्य मांगे क्या रहेंगी। मुख्य मांगे ये कि हम लोग प्राइवेट शिक्षक हैं और प्राइवेट विद्यालय में कार्य करते हैं, तो हम लोगों की पीड़ा भी समझी जाए। कहीं ना कहीं शासन द्वारा हम शिक्षकों को नज़रअंदाज किया जाता है। कोविड टाइम में भी हम प्राइवेट शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। विद्यालय प्रबंध तंत्र ने अपने पास से जो है हम सबको अपना वेतन दिया। तो मेरी एक ही मांग है शासन द्वारा कि हम लोगों के लिए भी कुछ प्रयास किए जाएँ ताकि हम सब भी अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। रायबरेली में सोनिया जी कई बार से सांसद रही हैं, प्रियंका जी अब रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रही हैं, इस बिल्कुल उन्हें भी अपना जोर आजमाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि रायबरेली की जनता बहुत होशियार, पढ़ी लिखी, समझदार है। वह अपना निर्णय जो है बहुत सोच समझ के लेने वाली है और निश्चित रूप में उसका आगे रिजल्ट दिखाई भी देगा। तो यहाँ की जो जनता है बिल्कुल समझदार है। अब पूर्व का ज़माना नहीं रहा है जब मतदाताओं को लोभ दे करके लालच में उल्टे उनसे दिलवाई जाती थी। अब किसी प्रकार का बिना लोभ लालच के जनता अपना मतदान करती है और अपना प्रतिनिधि चुन रही है। सर परिचय बता दीजिए। विमल चंद्र। 24 का चुनाव है, इस बार रायबरेली में क्या मुख्य मांगे हैं। देखिए सर, जैसा कि रोहित सर ने बताया, मैं पूर्ण रूप से रोहित जी से सहमत हूँ। और अगर मैं पर्सनली रायबरेली की बात करूँ तो जिस प्रकार से हम लोगों का पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। महिलाओं को लेकर के, रोड को लेकर के, जहाँ भी जाइए कुछ मिले चाहे ना मिले, रोड पे पानी जरूर मिलेगा। यहाँ तक कि रोड हाईवे बना हुआ है, उस पर लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान दिया जाए। पानी का निकास कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं, पूरी रायबरेली में आप जाकर के देख लीजिए, सारी जगहों पे पानी भरा हुआ है। अभी नॉर्मल डेज में ये हाल है सर, तो बारिश में क्या होगा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बस जो भी उस सत्ता को संभाले। मौजूदा सरकार के विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं सर। मौजूदा कार्यों किसे क्या हम बताएं, अगर यही होता तो ये पीड़ा ही ना होती सर। अगर यही होता तो सर मैं आपसे संतुष्ट और हसमुख होकर के आपको उत्तर देता। मैम पर्ची बता दीजिए। नेहा यादव। आप महिला हैं और अब की बार क्या मांगे रहेंगी मुख्य। सर एक महिला की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जो स्टूडेंट को लाइफ में मिलना चाहिए सिर्फ वो मिले। हर स्टूडेंट को जॉब मिलनी चाहिए अगर वो है उस अकॉर्डिंग, बस। मैम पर्ची बता दीजिए। सर मेरा नाम वंदना यादव है। सर हम चाहते हैं कि जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हो रहे हैं, सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो प्राइवेट होती जा रही हैं, सर उस पे बैन लगना चाहिए और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर वो वापस से गवर्नमेंट सेक्टर होने जाने चाहिए। महंगाई भी, बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है। ये सब बेरोजगारी भी बढ़ रही है, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है हमारे लोगों का। 24 का चुनाव है, आप लोग महिला वर्ग हैं जी, परिवार की कई जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, इस बार 24 का चुनाव है, क्या परिवर्तन चाहती हैं। परिवर्तन यही चाहते हैं कि जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं उनमें बच्चे बहुत कम हैं और वहाँ की जो पढ़ाई है बहुत ही गिरती चली जा रही है। वहाँ के टीचर्स भी बच्चों के साथ वो बिहेव नहीं करते हैं जो पहले शिक्षा का जो शिक्षा की व्यवस्था थी प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल नहीं है। मैं सरकार से यही चाहूँगी कि अगर उन्होंने सरकारी विद्यालय दिए हैं तो सरकारी शिक्षा अच्छी दे। आखिर सरकारी बच्चे कम क्यों हो रहे हैं, प्राइवेट संस्थाएं जा रही हैं क्यों। तो 24 का चुनाव है, रायबरेली से प्रियंका जी चुनाव लड़ रही, बीजेपी से भी कैंडिडेट आ रहा, ऐसे में विकास कार्यों को ये अब हम क्या कहें, जो भी कमियां हैं उनको देखना है, उनको दूर करना है, विकास लाना है, मोदी को भी चुनना है, ये बात सत्य है। मोदी ने जो किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन 10 सालों में मोदी ने जो हमारे देश के लिए किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो शायद सरकार को नहीं दिख रही हैं या आम जनता को दिख रही हैं, उन तक पहुंच नहीं रही हैं। इसके लिए थोड़ा सा सरकार अगर जागरूक हो तो हमें लगता है कि मोदी सरकार काफ़ी आगे जाएंगे।
एक्चुअली आफ्टरवर्ड्स मोदी जी केम टू पावर वी आर वेरी वेरी प्राउड टू टेल दैट वी आर इंडियंस। जैसा कि महिलाओं से बात किया गया तो उन्होंने भी कई समस्याओं को अवगत कराया और कहा कि सरकार बीएड बीटीसी और रोजगारों को कुछ बढ़ावा दे जिससे युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरियां मिले। श्रेष्ठ यूपी के लिए पंकज कुमार रायबरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।